देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के युवा बीजेपी नेता संतोष पांडे का मुंबई के धरती पर आगमन हुआ। संतोष पांडे के मुंबई आगमन पर उत्तर भारतीय समाज के लोगों के साथ युवा नेता लालमन सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। संतोष पांडे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर के निवासी हैं। संतोष पांडे देवरिया के विधायक के काफी करीबी है और देवरिया के युवाओं में संतोष पांडे को लेकर काफी क्रेज होता है। संतोष पांडे अपने मुंबई दौरे के दौरान उत्तर भारतीय समाज के लोगों से कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं युवा नेता लालमन सिंह ने संतोष पांडे का भव्य स्वागत किया। आइए सुनते हैं मुंबई दौरे पर आए उत्तर प्रदेश की धरती से बीजेपी युवा नेता संतोष पांडे ने मीडिया से क्या कुछ कहा। बाइट तो अच्छा माहौल है, यहाँ भी अच्छा ही माहौल है। कुछ अलग सा देखने मिला हो? हमारे वहाँ योगी जी के रहने से कानून व्यवस्था अच्छा हुआ है, यही सब है। किस तरीके की तैयारी, ग्राम पंचायत जो इलेक्शन है वो भी आने वाले नजदीकी है, तो वहाँ पर बीजेपी किस तरीके से तैयारी हो रही है? सारी बीजेपी कार्यकर्ता लगे हैं जोर शोर से प्रचार प्रसार में और चुनाव की तैयारी चल रही है। हो सकता है अप्रैल तक चुनाव हो, सरकार की यही योजना है, अप्रैल मई तक चुनाव कराएंगे। इस बार क्या मुद्दा लेकर यूपी में चुनाव लड़ने वाले हैं? कानून व्यवस्था और विकास का मुद्दा। जिस तरीके से बीजेपी सरकार को भी लेकर किसानों को खास करके जो हर जगह पे उनके लिए जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विरोध प्रदर्शन हो रहा है लेकिन यूपी में ऐसे अभी विरोध नहीं हो रहा है। बाकी जगह पे भी सारी चीजों को लेकर इस मामला को उठाया जा रहा है? नहीं, यूपी में तो ठीक है, यूपी में कोई धरना प्रदर्शन हुआ था, बंद करा रहे थे, लेकिन सफल नहीं हुआ, बंद असफल रहा। कि पहले तो मैं आप लोगों को, सारे मीडिया के जो हमारे यहाँ पे जो पधारे हुए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमारे साथ में जो यूपी से चल करके आए हुए हैं माननीय श्री संतोष पांडे जी और उनके जो भाई लोग और भी आए हुए हैं साथ में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे उस लायक समझा और मुझे आप लोगों ने याद किया और मुंबई शहर में आकर के हमसे मिले और कुछ यूपी के बारे में, राजनीति के बारे में भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया हम लोगों को यहाँ पर। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई रामनयन यादव जी भी उपस्थित हैं जो हमारे यहाँ से ही हैं, अक्षय कुमार विश्वकर्मा जी हैं, राम भोपाल जी हैं, और जिनके छत्र छाया के नीचे माननीय श्री गणेश भगवान जी, हनुमान जी, इन लोगों के मंदिर के नीचे जो हम लोग बातें कर रहे हैं, हमारे माननीय श्री नंदे सिंह साहब जी हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़े भाई हमारा यूपी से यहाँ पर चल करके आए हुए हैं और हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। और आने वाले समय में हमको लगता है कि मैंने मुंबई में राजनीति किया, आप तो हमारी बहन है प्रेमलता जी, आपको मालूम, हमको आपने कई बार यहाँ पे गाइड किया जब मैं चुनाव लड़ रहा था, यहाँ पे असफल रहा, कुछ ऐसी प्रक्रिया थी, कुछ ऐसी बात आ गई थी कि जो हम उत्तर भारतीय एक नहीं हो पाए थे। लेकिन आने वाले समय में मैं सोच रहा हूँ कि इस बार यूपी से भी अगर इस बार सामान्य सीट आया तो मैं ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा और अपने बड़े भाई लोगों के छत्र छाया के नीचे ही लड़ूंगा, और इन लोगों का आशीर्वाद हमारे प्रति रहा है, हमेशा रहा है,
और इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में इस बार भी मैं वहाँ पे कार्य करूँगा, इन्हीं लोगों को साथ में लेकर के। और एक जो मुंबई में हम लोगों ने जो डेवलपमेंट का प्रक्रिया देखा है, जो डेवलपमेंट में हम लोगों ने भूमिका निभाया है, वही चीज़ हम चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में अपने जाकर के जिस गांव में हम लोग जिस मिट्टी पे पैदा हुए हैं उस गांव के लिए थोड़ा सा कुछ डेवलपमेंट करें, क्योंकि उस मिट्टी का खुशबू हम लोग भूल नहीं पाते हैं। हमेशा हम मुंबई शहर में रहते हैं लेकिन उस मिट्टी का खुशबू हमारे हर रोम रोम में, हर जेहन में वो समाया रहता है। और मैं सोचता हूँ कि काश अगर वो मेरे को वो भाग्य वो चांस मिलता तो मैं अपने लोगों का, अपने बड़े और बुजुर्ग माताएं बहनें जितने भी जो हैं हमारे, उनका जा करके वहाँ पे सेवा करता और उस समाज के लिए कार्य करता और डेवलपमेंट करता।